एक नई वीडियो आज हम बात करने वाले फ्रेंड जो कि मेरे पास है रियलमी C2। तो मैं इसमें बात करने वाला फ्रेंड कॉल फॉरवर्डिंग को डीएक्टिवेट कैसे करें, बंद कैसे करें। तो आज की वीडियो हम यही सीखेंगे। और फ्रेंड इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक बेल आइकन का बटन जरूर दबा दे ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो फ्रेंड आपको करना क्या है, डायल पैड को ओपन कर लेना है। और फ्रेंड आपको एक बात बताना भूल गया था, MI, रेडमी, वीवो कोई से डिवाइस में अगर आपको कॉल फॉरवर्डिंग डीएक्टिवेट करना है, बंद करना है, तो जो कि फ्रेंड आपको डायल पैड को सबसे पहले ओपन कर लेना है। और फ्रेंड इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और सबसे पहले आपको क्या करना है फ्रेंड, यहाँ पे देख सकते हैं 2 डॉट का ऑप्शन है, तो आपको इस पे क्लिक करना है। और यहाँ पे सेटिंग्स का ऑप्शन है, सेटिंग्स पे क्लिक कर देना है। और फ्रेंड आपको करना क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं कॉल सेटिंग्स, तो आपको यहाँ क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड आपको क्या करना है, जस्ट कॉल फॉरवर्ड, तो इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको, तो आप थोड़ा सा टाइम का वेट करें। फ्रेंड आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉल फॉरवर्ड को इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड आपको करना क्या है, यहाँ पे ऑफ का ऑप्शन आ रहा है, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड ऑलरेडी आपका कॉल फॉरवर्ड बंद हो जाएगा। तो आप इसी तरह से आप कॉल फॉरवर्ड को बंद कर सकते हैं। तो फ्रेंड आज के वीडियो आपने सीख लिया है कि कॉल फॉरवर्ड को कैसे इनेबल करते बंद करते हैं। तो फ्रेंड आज के वीडियो में बस इतना ही। शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, बेल आइकन का बटन जरूर दबा दें। और फ्रेंड किसी भी फोन की सेटिंग की जानकारी चाहिए, या आपको UPI की जानकारी चाहिए, आपको फ्रेंड बैंक से रिलेटेड जानकारी चाहिए, आपको फ्री फायर या पबजी किसी भी गेम से रिलेटेड जानकारी चाहिए, तो आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं और मैं आपको कमेंट्स का रिप्लाई जरूर दूंगा फ्रेंड। और फ्रेंड आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगा, तो आप वहां से देख सकते हैं। तो फ्रेंड आज की वीडियो में बस इतना ही। शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, बेल आइकन का बटन जरूर दबा दे ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।